नमस्कार, आज हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। जैसा कि इस मॉडल में आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक बेलन दर्शाया है जिसकी ऊंचाई है h और इसकी जो त्रिज्या है, यदि उसको r मान लिया जाए तो यह R त्रिज्या और H ऊंचाई के साथ एक बेलन हमने यहां पर दर्शाया है। और यदि इस बेलन को हम खोल देंगे तो वह इस प्रकार का एक आयत हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखें सबसे पहले कि इस आयत के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं, यह आयत हमने इस बेलन से बनाया, तो इस बेलन की यह जो परिधि है, यह जब इसको खोलेंगे तो यह इस आयत की लंबाई बन जाएगी। बेलन की परिधि 2 पाई आर होती है, इसीलिए इस आयत की लंबाई भी 2 पाई आर होगी। इसी प्रकार से इस बेलन की ऊंचाई है h, तो इस आयत की भी जो ऊंचाई होगी वो होगी h। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इस आयत की लंबाई है 2 पाई आर और इसकी चौड़ाई है h, तो 2 पाई आर गुना h, यह आ गया 2 पाई आर h, जो कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से यदि हमने इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम देखेंगे कि इस बेलन के इस तरफ यदि एक ढक्कन लगा दिया जाएगा तो वो गोल ढक्कन होगा, जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है। इसी प्रकार से यदि इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा दिया जाए तो वह भी गोल वृत्त होगा, जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है। अब यदि इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वह होगा इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 2 पाई आर एच, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों पदों में से 2 पाई आर हम कॉमन लेकर यहाँ पे बचेगा h और यहाँ से बचेगा r, तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई r गुना h प्लस r। ये है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।